और मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैंने खा के आई हूँ। और मैंने मम्मी बनाई है आज खाना, मैंने प्याज वगैरह कट कर रखे हैं आज। देखो बिल्कुल हरियाली हरियाली हो रही है खेतों में, अभी गन्ने ख़त्म हो गए ना, तो अब दूर तक का चमकता है। देखो ये गाय के लिए वो रखी है ज्वार वहाँ तक के, और ये पता सारे में सब ने लगा रखे हैं साइड साइड में। देखो इस साइड भी लग रहे हैं तार, और इस साइड भी लग रहे हैं, सारे में लगा रखे हैं। बर्फ तो तैयार है, जम गई है बहुत अच्छे से, पता है सुबह सुबह जमी है, शाम को तो जमी नहीं थी, रात को सोच रहे थे रात को खा लेंगे बट तब नहीं जमी थी। अब देखो अब सुबह सुबह जमी हुई है। और गाय जी मैं बिस्किट खड़ा करने वाली थी बट ये मेल्ट हो रही थी, तो बिस्किट भी यहीं गिर गया। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे, और ये देखो मोटू अब उठा है, वो देखो कहाँ बुद्धि हो बैठा है, छोटे बच्चे की साइज साथ, जैसे छोटे बच्चे लौटते थे ना ऐसे लौटता है, और वीडियो देख के आप बता रहे हैं हट जाओ। आराम से लौटा था और देखो पैर में चोट लगा रखी है इसने, दिखा अपने पैर। तो गाइस ऐसे ही नोटिंग के लिए आता रहता है। जैसा बड़ा है मैं, चाटा मारेगा ना, कह नहीं पकड़ के खींच लूंगा, पिटेगा। तो गाइस इसकी ये चटता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी तेज मारेगा, इतनी तेज मारेगा। तो गाइस अब काम करना है, खेत में जाना है, तो बातें भी करते हैं। तो गाइस स्वीटी तो ये रही, और देखो ये बाहर बैठ के खाना खा रही है अकेली, दो दो कप चाय लेके बैठी है, और ये घी की कटोरी अकेली, दो दो कप चाय लेके बैठी है, और कितनी रोटी, एक दो तीन, अरे दो रोटी खा चुकी गाइस। देखो मोटू भी आगे बैठ चुका है यहाँ पे, और देखो कितने नींबू का पेड़ है, कितने सारे नींबू आ रहे हैं, अब तो बहुत मोटे मोटे हो गए, पेड़ा भी झुक गया गाइस ये। वो मम्मी टहल रही है आराम से, कभी इधर कभी उधर, वो देखो गाइस घी भी ले आई है डगरी। केसू के नखरे, केसू खाना खा रहा, मना कर रहा है सब्जी खाने को, नई नई चीज चाहिए उसको। हेलो गाइस, तो अभी हम खेत में आए हैं, गाय के लिए खाना लेके जाना है, ज्वार लेके जानी है। देखो ये वो रखी, और पता साइड साइड में जहाँ खंभे लगा रखे हैं ना, उसके जो बाहर की साइड है वहाँ ज्वार खा ली। तो गाइस ये साइड साइड में से तो कल ले गया था मैं, ये देखो ये खंभे लगा रखे हैं ना, तार बांध रखे हैं, जो इसके बाहर की साइड है ना ये तो बछड़ों ने खा ली, और अंदर की साइड भी देखो, अंदर की साइड भी खा रहा है, जहाँ तक मुँह जा रहा है बछड़ों की वजह से लगा रखे हैं तार, यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये बाहर की साइड तो बिल्कुल नहीं छोड़ी, सब खा गए, अंदर की साइड तो बच रही है, क्यों ऊपर को कूदा नहीं जाता इनसे, और कल यहाँ से तो कल काट ली साइड साइड में से, क्यों छोड़ ही नहीं रही है, सब खा रहे हैं, और ये आज लेके जाऊँगा थोड़ी सी, वही देखो कल और ज़्यादा खा गए, कल भी खा गए यहाँ से, देखो ये साइड साइड में खा रखी है, और देखो बिल्कुल हरियाली हरियाली हो रही है खेतों में, अभी गन्ने ख़त्म हो गए ना, तो अब दूर तक का चमकता है। देखो ये गाय के लिए वो रखी है ज्वार वहाँ तक के, और ये पता सारे में सब ने लगा रखे हैं साइड साइड में, देखो इस साइड भी लग रहे हैं तार, और इस साइड भी लग रहे हैं, सारे में लगा रखे हैं बछड़ों की वैसे, क्योंकि सामने मंडी है ना, इससे डायरेक्ट यहाँ पे ही आते हैं, ये दीवार चमक रही होगी आपके सामने, ये यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कोई भगाता नहीं है उनको, तो ये फूट रही है यहाँ से, दीवार टूट रही है, तो यहाँ से आ जाते हैं डायरेक्ट, तो इस खेत में सीधा यहीं आते हैं, तो इस वजह से लगा रखे हैं तार। तो गाइस अब मैं काम कर लूँ, फिर बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, वैसे भी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे हैं, मतलब बच्चे आने वाले हैं मेरे, और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, घर का काम तो हो चुका है, और मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैंने नहा के आई हूँ, और मैंने मम्मी बनाई है आज खाना, मैंने प्याज वगैरह कट कर रखे हैं, आज बनेंगे कढ़ी चावल, तो अब मेरे जो बच्चे आ जाएंगे, और फिर वे जाएंगे 11:30 बजे, तो इतना लेट हो जाएगा खाने का, तो मम्मी आके खाना बनाएंगी, और बस ये अब बच्चे आ जाएंगे, अब मैं पढ़ाती हूँ, और आनी ये लेटी यहाँ पे।
और केसरी ये टीवी देख रहा है, इसका तो टीवी देखने का ही काम है बस। मैंने कढ़ी बना ली, ये बनने लग रही है और चावल मैंने बना दिया और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। तो अभी मैं लाइट का वेट कर रही हूँ क्योंकि कल तो रात कुछ बिस्किट पीस दिए थे और कुछ बिस्किट अभी भी बचे हैं, तो मैं ये पीसने के लिए वेट कर रही हूँ लाइट का। लाइट आ जाएंगी तो मैं इसे पीस दूँगी। और ये छोटा भाई केशु ये अपना होमवर्क कर रहा है, देखो ठीक है, ये तो गाइस ये अपना होमवर्क कर रहा है, थोपड़ा दिखाइए अपनी, ये देखो ये गाइस खरबूजा खाता तो है, साथ में फेस पे भी लगाता है। और ये रानी ये सोच रही है पता नहीं कुछ खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे। तो गाइस मैं अब लाइट का वेट करती हूँ और मैं फटाफट ये करके और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, देखूँगी पढ़ाई करूँगी। तो और अभी तो मैं इसका होमवर्क करा रही हूँ, फिर लाइट आ जाएगी, फिर वो पीस पीस के आइसक्रीम जमाएंगे। जमानी तो मुझे रात को थी, पर रात को आलू के पराठे बने थे तो लेट हो गया था खाना बनवाने में, तो इसीलिए मैंने फिर आइसक्रीम नहीं जमाई। तो मैं लाइट आ गई है गाइस, फाइनली लाइट आ गई है, तो मैं अब अपना काम करती हूँ और तो बाद में मिलते हैं, बाय गाइस। गाइस ये मैंने दूध में और बिस्किट का पेस्ट तो डाल दिया है और इसको गर्म हो रहा है। अब ये मैंने फैन के नीचे रखा हुआ है ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको फ्रीज़र में फ्रीज में रखेंगे। पहले तो इसको थोड़ा हार्ड होने के लिए फ्रीज में रख देंगे ना, ठंडा होके तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो गाइज अब मैंने उसे फ़ैन के नीचे रख दिया, वो तो ठंडा होने वाला है और जब वो ठंडा हो जाएगा उसको फ्रीज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, जिससे वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बिस्किट है ना उसके अंदर तो वो हार्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम फ्रीज़र में उसको जमाएंगे। तो अब जमा के दिखाते हैं कि कैसा लगेगा। लाइट अभी आई है थोड़ी देर पहले और मैंने फ्रीज़र में, पहले तो फ्रीज में रखी हुई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, फिर पानी गिर जाता है यहाँ से ऊपर से, अगर ऊपर फ्रीज़र में रखता है तो पानी पिघल पिघल के उसी में गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने वो फ्रीज़र में नहीं रखी थी क्योंकि फिर पतली हो जाती, तो इसीलिए मैंने वो फ्रिज में नीचे रखी थी। और अब 4 बजे के आसपास लाइट आई थी और अब 5 बज रहे हैं, तो मैंने 4:30 बजे तो मुझे याद नहीं रहा, फिर मैंने 4:30 बजे उसको फ्रीज़र में रखी है, देखो दिखाते हैं आपको, ये रखी गाइस मैंने फ्रीज़र में रख दी थी 4:30 बजे, और अभी तो जमी नहीं है ये, और अभी जब थोड़ी सी जम जाएंगी ना तो फिर मैं ये डालूँगी और बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं वो डाल दूँगी इसके ऊपर, अभी हल्की हल्की सी जमी होनी चाहिए तब डालूँगी इसके ऊपर। तो अब वैसे भी 5 बज गए हैं तो खाना वाना बनाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं भी देखती हूँ खाने वाने बनाने क्या बनाना है, सोचते हैं और खाने बनाने की तैयारी करते हैं। फिर रात को लेट हो जाती है और सौरभ को तो जल्दी चाहिए होता है खाना वगैरह भी, तो अब मैं खाने वाला हूँ। और मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही थी, अभी दूध निकालने के लिए गई है मम्मी, आज मम्मी ने सारे जूते वगैरह सबके निकाले हुए हैं, तो अब मम्मी यहाँ पे सफाई करेगी और मैं खाना बनाऊँगी। मम्मी अभी दूध निकालने गई है, दूध निकाल के और मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और मम्मी सफाई करेगी। तो गाय सब फाइनली ये देखो ये सूख गए हैं, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये आइसक्रीम के ऊपर डालूंगी गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं जो ये बाइट में आती है ना कोटे। और देखो ये कह रहे थे कि कागज़ पे से नहीं उतरेगा, कागज़ पे से अच्छे से उतर गया, ये देखो जितने में मैंने डाला था ना उतने में ऐसे हो गया जैसे ऑयल लगा रखा हो, बट कुछ नहीं लगा रखा था मैंने पेपर पे, और बल्कि इस पे अच्छे सूख गए और इस पे हल्के हल्के गीले रह रहे हैं अब भी, इनके इन दोनों के कारस्तान नहीं है ये, नहीं तो मैं इस पे ही सुखाने वाली थी। देखो कितने अच्छे से उतर गए और सूखे हुए हैं बिल्कुल। तो गाइस आज आइसक्रीम भी बनाएंगे, अब मैं काम कर लेती हूँ। तो गाइस पफ तो तैयार है, जम गई है बहुत अच्छे से, बट अब सुबह सुबह जमी है, शाम को तो जमी नहीं थी, रात को सोच रहे थे रात को खा लेंगे बट तब नहीं जमी थी, अब देखो अब सुबह सुबह जमी हुई है। तो गाइस ये मैं बिस्किट खड़ा करने वाली थी बट ये मेल्ट हो रही थी तो बिस्किट भी यहीं गिर गए, तो अब इसको खाएंगे, देखेंगे कैसा टेस्ट है। तो गाइज मैं अभी घेर में था, शाम के 7:30 बज चुके हैं, इनको तो अंदर बांध दिया
बच्चे को, दोनों बच्चे को अंदर बांध दिया। अब छोटा तो रहा नहीं, दोनों बच्चे है बस, इनको बांध दिया। अब घर जा रहे हैं और अब ब्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो तो पूरी हो गई थी। तो गाइज अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अब मुझे घर जाके एडिटिंग भी करनी है, बिल्कुल एडिटिंग नहीं हुई। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।